Please subscribe my channel. It's free to subscribe and hit the bell icon so you never miss out my any guys, welcome back to my channel. I'm Jyoti and Tips and I'm Manisha. So बहुत time से मैं कोई video upload नहीं कर रही थी because मेरी थी तबीयत ख़राब but मैं वापस आ चुकी हूँ and मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा much better हो चुकी है. Thank you for your blessings. मेरे को बहुत सारे messages आए थे कि दीदी upload क्यों नहीं कर रहे video एंड उन्होंने कहा था कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ. सो मैं आ गई हूँ वापस. तो मैं इस टाइम लेकर आई हूँ स्किन केयर रूटीन अपना नाइट का. इससे पहले मैं एक हॉल वीडियो स्किन केयर के ऊपर एंड अपने वीकली स्किन केयर रूटीन का शेयर कर चुकी हूँ. अगर आप लोगों ने नहीं देखा है एंड मेरे चैनल पर नए हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगी. एंड आज मैं अपना शेयर करूँगी नाइट रूटीन जो मैं थोड़ा स्किप हो गया था बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं फॉलो कर पा रही थी उसे एंड मेरी स्किन बहुत ज़्यादा डल लग रही है तो उसके लिए सॉरी. तो वीडियो शुरू करने से पहले भाई वो ही रटी रटाई लाइन, मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो बेल बटन को हिट कर लीजिएगा जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप लोगों को नोटिफाई जाएंगी. आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कर सकते हैं, एनआईपी पेज पे भी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, यहाँ पर स्क्रीन पर हैंडल मिल जाएगा. तो अपनी वीडियो में चलते हैं, सिलेक्ट स्टार्टेड. आप लोग के फेस पर मेकअप हो तो आप दो चीज़ से उतार सकते हैं मेकअप, लाइक तीन चीज़ से. तो फर्स्ट है कोकोनट ऑयल. आप कोकोनट ऑयल से अपने मेकअप उतार सकते हैं बिकॉज मैं तो पे ही रहती हूँ तो यहाँ पे इस टाइम मेरे फेस पे कोई मेकअप नहीं है. एंड सेकंड है ये गार्नियर का मिसलर वाटर. आप अगर कोई मेकअप रिमूवर है आपके पास तो आप उससे भी उतार सकते हैं. एंड थर्ड है वेट वाइप्स. मेरी ख़त्म हो चुकी है इसलिए मैं ऐसे ही आपको बता दे रही हूँ. तो इन दोनों की मुझे अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज मेरे फेस पे इस टाइम कोई भी मेकअप नहीं है. पर जिसके मेकअप है तो वो इन चीज़ों से उतारे फर्स्ट, डायरेक्ट अपना फेस वॉश ना करे. सो नेक्स्ट आता है हमारा फेस वॉश पे. तो फेस वॉश के लिए यहाँ पे मैं लूँगी रूप मंत्र का कुकुम्बर आयुर्वेदिक मेडिकल फेस वॉश. एंड ये मेरा फेवरेट फेस वॉश है, मैं आप लोगों के संग इसे शेयर कर चुकी हूँ. एंड भाई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है तो बात ही नहीं होती कि इसकी तारीफ में फालतू करूँ. तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा फेस वॉश है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा है. तो फर्स्ट इसकी तारीफ हो चुकी है. तो अब मैं चलती हूँ अपना फेस वॉश करने. फेस वॉश करने के बाद मैं आती हूँ. मैं अपना फेस वॉश कर चुकी हूँ अच्छे से. एंड सीरियसली गाइस ये फेस वॉश अमेजिंग है, आपके फेस को बहुत अच्छे से रिफ़्रेश कर देता है. तो आप ज़रूर इस फेस वॉश को ट्राई कीजिएगा. फेस वॉश करने के बाद आप अपने फेस को टोन कीजिए. तो उसके लिए आप कोई टोनर यूज़ कर सकते हैं, लाइक आयुर का टोनर यूज़ कर सकते हैं. सॉरी फॉर माय वॉइस, थोड़ी लो आ रही होगी. सो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ डाबर गुलाब जल. एंड ये छोटा सा टिनी मिनी मैं अभी ख़रीद के लेकर आई थी थोड़े दिन पहले ही. तो ये आता है रिटेल्स फॉर 45 का. एंड ये बहुत अच्छा गुलाब जल है एंड स्प्रे फॉर्म में होता है तो डायरेक्ट आपके फेस पे अप्लाई हो जाता है. तो आप स्प्रे फॉर्म में ही ज़रूर ट्राई कीजिएगा. सो फर्स्ट मैं इसको थोड़ी फ्रेशिंग, देन आप इसे टैप टैप कर लीजिए जिससे वो आपकी स्किन के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए. आप इसकी जगह टोनर भी यूज़ कर सकते हैं. एंड गुलाब जल यूज़ करेंगे इसके दो फ़ायदे हो जाएंगे. एक, गुलाब जल से आपके फेस थोड़ा गुलाबी गुलाबी हो जाता है एंड मॉइस्चर भी अच्छा खासा पहुंच जाता है उससे. तो इसके बाद मैं 10 सेकेंड रुक के यूज़ करूँगी अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट. यहाँ पे मैं 10 सेकेंड के बाद रुक के यूज़ कर रही हूँ अपना कोकोनट ऑयल. आप में से बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा कि आप कोकोनट ऑयल क्यों यूज़ कर रहे हो एंड समर चल रही है. तो गाइस कोकोनट ऑयल समर हो या विंटर हो आपके स्किन को उतना ही इफ़ेक्ट करेगा जितना समर में करता है या विंटर में करता है. बट थोड़ी क्वान्टिटी का ध्यान रखिए जब इसे लीजिए. तो सो यहाँ पर मैं अपने फेस पर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल यूज़ करती हूँ तो दैट्स लिटिल बिट मैं अपने फेस पे से लगा लूँगी. जस्ट ज़्यादा मैसीनेस ना करते हुए जस्ट मैं थोड़ी थोड़ी ड्रॉप्स अपने फेस पे लूँगी एंड उसे अच्छे से मसाज कर लूँगी अपने फेस पे. इससे क्या होगा, कोकोनट ऑयल बहुत टाइप के लिए इफ़ेक्ट करता है. आपके पिंपल्स हो या स्पॉट्स वगैरह हो उन्हें कम कर देता है. एंड इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कोकोनट ऑयल कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है आपकी स्किन के लिए. एंड लुक एट दिस, मेरे फेस पे इस टाइम कोई पिंपल नहीं है एंड उसका कारण क्या है, ये कोकोनट ऑयल. सो मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप स्पॉट्स के लिए बताइए कोकोनट ऑयल स्पॉट्स में, सॉरी समर में थोड़ा इफ़ेक्टिव रहेगा या नहीं रहेगा. तो बस आप इतना कीजिएगा अपने फेस को वॉश करके ही कोकोनट ऑयल लगाइए एंड नाइट में ही लगाइए.
तो देन यहाँ पे हो चुका है मेरा कोकोनट ऑयल से मैंने अच्छे से फेस को कर लिया है मॉइस्चराइज़र। यहाँ पे मैं कोई मॉइस्चराइज़र की जगह कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ। सो नेक्स्ट आते हैं हम हमारे जिनके भी डार्क सर्कल हैं, थोड़ी प्रॉब्लम होती है डार्क सर्कल की, तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं ये है एलोवेरा जेल। आप चाहें ग्रीन एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ सौंदर्य एलोवेरा जेल केसन चंदन। सो मैं लिटिल बेटे से अपने फिंगर पे लूँगी एंड अपने अंडर आई पे लगा लूँगी एंड लिटिल बिट मसाज कर लूँगी। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है, इससे आपके डार्क सर्कल जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, जो पिगमेंटेशन होती है आई के पास एंड डार्क सर्कल में वो भी कम हो जाती है। जस्ट मैं लिटिल बिट इसे मसाज कर लूँगी एंड अगर आपको लगे कि आपके फेस पे ज़्यादा कहीं डार्क स्पॉट्स वगैरह हैं तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है एंड एलोवेरा जेल तो सब बोलते हैं, तो ट्राई मस्ट दिस। नेक्स्ट आते हैं हमारे आईब्रोज एंड लैशेज़ के ऊपर। मेरे स्किन केयर का प्रोडक्ट्स में ये होता है कि मेरी स्किन किन के साथ मेरे जहाँ पे डार्क सर्कल हैं, मेरी आईब्रो, मेरे आई लैशेज, इनके भी केयर हो। सो यहाँ पे मैं लेती हूँ अपना DIY सीरम, ये मैंने कैस्टर ऑयल एंड वैसलिन के बनाया हुआ था। सॉरी फॉर माय वॉइस, बहुत ज़्यादा अजीब आ रही हो। तो यहाँ पे मैं अपना DIY सीरम लगाती हूँ अपने आई लैशेज पे, सॉरी, एंड जस्ट लिटिल बिट मैं अपने फिंगर की हेल्प से ही अपने आई लैशेज पे लगा लेती हूँ उसे। इससे क्या होता है, मेरी आई लैशेज में बहुत अच्छा ग्रोथ आ गया है, मैंने देखा भी है असर। एक सेकेंड। सो इसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं मिलाया है, जस्ट कैस्टर ऑयल एंड वैसलीन मिलाई है, तो इससे मेरे DIY सीरम बन गया। एंड नेक्स्ट लेंगे हमारे लिप्स की केयर के लिए यहाँ पे लिप बाम। तो इसे मत भूलिएगा आपके लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए। एंड इस टाइम थोड़ा मेरी तबीयत ख़राब हो गई तो लिप्स के पास कॉर्नर में जलन वगैरह से होने लग रही है, बिकॉज थोड़ी मेडिसिन वगैरह भी खाई है। तो अगर आप में से किसी के भी हो तो आप देसी घी लगा सकते हैं अपने लिप्स पे एंड या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं या लिप बाम लगाइए, उन्हें बहुत मॉइस्चराइज रखिए, इससे क्या होगा वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो या मेरा हो चुका है स्किन केयर रूटीन फॉलो कर लिया है मैंने फुल एंड ये कंप्लीट हो चुका है, बस मैं इतना ही करती हूँ। एंड मैंने अपनी बाल पहले ही बांध दिए थे ब्रेड में, तो आप इसे ज़रूर बनाइए करिए। छोटे से क्या होता है कि आपके जो बाल होते हैं उनकी ग्रोथ रात को ही होती है, तो वो ग्रोथ भी हो जाती है साथ साथ एंड आपके हेयर फॉल भी कम हो जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा, अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को कीजिएगा लाइक एंड शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के संग। मैं चलते हैं ऐसे कुछ अमेजिंग वीडियो लाती रहूँगी, तब तक ले बाय बाय।